रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तारिक सईद फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज खाला न्यू। एंड टुडे अगेन वी आर विद द सेम चैप्टर एंड दैट इज स्पेसशिप वन। एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑन स्पेसशिप वन। एंड ऑल यू ऑल शुड बी ऑन पेज नंबर 105 और 105। We'll be beginning from the Whitney's dialogue, second dialogue, and line number three. So, leave that line number three. I'm going to begin it with Whitney's dialogue. Okay. So Whitney says, क्या कहता है? Right. He goes to the periscope and takes his stand with his hands on the crossbar. For the first few moments he presses his forehead against the hood. His voice is tense. वो क्या करता है कि जाकर पेरिस्कोप पर अपना सर टिकाता है, अपने हाथ क्रॉसबार पर रखता है, जैसे मैं आपको डिस्क्राइब पिछले लेक्चर में कर चुका था इसको, और उसमें से वो देखता है कि बाहर की तरफ के क्या नज़ारा है, तो किस तरह वो गाइड करेगा। बट एक चीज़ यहाँ पर उसके हमें अब नज़र आ रही है जो राइटर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट, के उसका जो हिज वॉइस इज टेंस, उसकी जो वॉइस से क्या है, उसमें थोड़ा टेंशन है, उसकी वॉइस से पता चल रहा है कि वो थोड़ा टेंशन में है। समझ में आ गई बात? अब वो टेंशन क्या है, लेट्स सी, बताऊंगा इसको, क्योंकि ये वो टेंशन है जो मेरे ख्याल में दुनिया के हर इंसान को रहती है। समझ में आ गई? ये वो टेंशन है जो दुनिया में हर एक इंसान को रहती है। बेटा आप पीछे जाके बैठिए। सो ये वो टेंशन है जो दुनिया में हर इंसान को रहती है। समझ में आ गई बात? अब कैसे, मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा, ये एक सस्पेंस है, थोड़ा आगे इसको खोलता हूँ मैं, सुनिएगा। 7738407744856 पॉज, 7752 होल्ड इट। अब ये इंस्ट्रक्शंस जारी है किसकी तरफ से, विटनी इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसको, विल को। विटनी देख रहा है कौन कर रहा है शिप को, देख रहा है, और इंजीनियर बैठा हुआ लीवर्स की मदद से उसकी डायरेक्शंस एंड पोजीशंस को शिप की उन्हीं डायरेक्शंस पे सेट कर रहा है जो जो वहाँ से उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। किसकी तरफ से, विटनी की तरफ से। समझ में आ गई बात? तो एक बंदे का काम नहीं है, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लोग चाहिए एक स्पेसशिप को इस तरह चलाने के लिए, जो उसका मॉडल था उस वक्त का। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं, जो कि रियल नहीं था, जो कि इमेजिनरी था, ठीक है, स्टेज प्ले था ये सिर्फ एक। ही रिमेन्स एट द पेरिस्कोप लुकिंग इन टू इट एट इंटरवल्स। तो वो रहता वहीं पे खड़ा रहता है और बार बार देखता रहता है इंटरवल से कि क्या क्या हालात है बाहर के। Will repeating the figures as they are given him and moving his levers for each. वो भी जो वो figures उसको वो दे रहा होता है, कौन, Whitney, जो जो उसको figures दे रहा होता है वो repeat कर रहा होता है उसको, और उसके मुताबिक ही क्या कर रहा होता है, और जो ना levers जो होते हैं वो उसको आगे पीछे दाएं बाएं जो जहाँ पे भी करना होता है वो उसको कर रहा होता है। अब इसकी ये, मैं लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया, इसकी टू, देर आर टू प्रोनंसिएशंस, ओके, लेवर एंड लीवर। व्हाट, लेवर एंड लीवर, ओके, सो बोथ आर राइट। तो अब वो क्या करता है कि उसका तो रिपीट करता है 7738440 7744486 7752। हैरी यॉनिंग, हैरी क्या कर रहा है, यॉन कर रहा है, जैसे उसको ऊँग आती है ना इंसान को, जैसे कोई अभी वो नींद से ही उठाया ना के, ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, यानी वो इतना ज़्यादा फिक्रमंद नज़र नहीं आ रहा हैरी, ठीक है। अब ये इसको यहाँ पे ये वो बता रहा है, व्हाट आई वांट इज़ अ कोल्ड स्लूस। अब इसकी प्रोनंसिएशन मैं आपको सुना देता हूँ, इट्स अ गुड वर्ड्स एंड इट शुड बी नोटेड हियर। इसकी प्रोनंसिएशन Sluice. ये स्लो मोशन में इसने कहा sluice. Sluice.
examples of sleuths. बस ये रिकॉर्ड हो गया, आप चेक कर लीजिएगा इसको जब आप वीडियो देखेंगे. सो द वर्ड इज व्हाट, स्लूस. ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज स्लूस. वो कहता है कि व्हाट आई वांट इज अ कोल्ड स्लूस. कोल्ड स्लूस का मतलब होता है कोल्ड वाटर टू वॉश माउथ एंड हैंड्स और टू टेक बाथ, यानी कोल्ड वाटर. तो स्लूस इज व्हाट, वाटर. कोल्ड स्लूस, कोल्ड वाटर. ठीक है, तो वो चाहता है कि उसका वो मुंह हाथ धोने के लिए अभी वो नींद से उठा है तो उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए. ही गोज आउट बाय द डोर. तो अब किसी भी कैरेक्टर को स्टेज से निकालना होता है ना, जब राइटर को, आप कभी राइटर बन गए, स्टेज राइटर बन गए, तो आप कोई ना कोई बहाना बना के उसको स्टेज जो स्टेज होगा उससे एग्जिट करवाएंगे. ठीक है, एंट्री होती है और क्या होता है, एग्जिट होता है. तो एग्जिट करवाएंगे आप उसको कैसे, कोई बहाना. अब वो क्या, मुंह धोने के बहाने से स्टेज से उसको हटा देते हैं. अब दो कैरेक्टर्स रह गए, कौन कौन, विल एंड विटनी. ठीक है, हैरी वहाँ से चला गया फेस वगैरह वॉश करने, क्योंकि अभी वो उठा. विल लुकिंग एंग्शियसली एट विटनी, एनीथिंग रॉन्ग सर. वो परेशान हो जाता है विल के, कोई प्रॉब्लम ज़रूर है विटनी के साथ, समझ में आ गई. तो वो पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है सर. विटनी, नॉट विद द शिप सो फार एज आई कैन सी. बोला शिप के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में, अब तक जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. हाउ शी बिन बिहेविंग. तो बोला एक बिहेव कैसे कर रही है ये, किसका, शी किसके लिए कह रहा है यहाँ पे, वो शिप के लिए. शी किसके लिए कह रहा है, शिप के लिए, कि भाई तुम बताओ कैसे बिहेव कर रही है. विल परफेक्टली, विल कहता है भाई ज़बरदस्त चल रही है शिप, समझ में आ गई, अच्छा बिहेव कर रही है, मुझे ज़्यादा परेशान इसने नहीं किया. अब वो डिटेल ले रहा है उससे, ठीक है, विटनी चूँकि सीनियर है तो वो डिटेल्स ले रहा है सारी की सारी उससे. विटनी एल्टीट्यूड, विटनी अब उससे पूछता है, अब सवाल पूछता है एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, स्पेशली अबव सी और अबव द अर्थ सरफेस. तो वो जो हाइट होती है उसको क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड. क्या कहते हैं उसको, तो वो पूछता है कि एल्टीट्यूड क्या है इसका. तो वो कहता है, विल कहता है 29. विटनी स्पीड, विटनी पूछता है स्पीड क्या है, विल कहता है 67. फिर विल बताता है, आई स्विच ऑन द सेकेंड एंड फोर्थ बाओ जेट्स एट 1:45 AM एंड द फर्स्ट एंड द थर्ड एट 2. फर्स्ट एंड द थर्ड एट 2. तो वो बताता है कि जो बाओ इंजन है, जेट इंजन जिसके साथ लगे हुए, वो मैंने 1:45 AM, ये आपसे वो MCQs में पूछ सकता है, सो यू शुड नो अबाउट इट, अंडरलाइन बोथ दीज टाइम्स. तो वो कहता है कि मैंने कौन कौन सा, द सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ उसने किस वक्त खोला, स्टार्ट किया 1:45 AM और थर्ड वाला जो है उसने वो 2:00 पे स्टार्ट किया. आई हैव बिन सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड आई बिन स्टेडली डिसलरेटिंग सिंस. डिसलरेटिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग स्पीड. ठीक है, तो वो कहता है कि भाई जब से ही मैं इसकी स्पीड आहिस्ता कर रहा हूँ, लाजमी सी बात है जब वो लैंडिंग की तरफ जाएंगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर भी अगर आपने सुने हो, तो जब वो लैंडिंग की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, स्पीड को स्लो करना पड़ेगा इनको. ठीक है, अब विटनी गुड 7754. विटनी बोलता है अच्छी बात है, फिर वो बताता है 7754 विल 7754. अब जो भी विटनी फिगर्स देगा ये रिपीट करेगा, ठीक है, और उसके हिसाब से ही शिप को चलाएगा. ठीक है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, मैं बार बार ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा. ठीक है, अब आगे चलते हैं कि विटनी प्रोपेलेंट्स, वो कहते हैं प्रोपेलेंट्स का बताओ. ठीक है, प्रोपेलेंट्स का मतलब होता है फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर यूज बाय अ रॉकेट इंजन. ठीक है, क्या जो प्रोपेलेंट होता है, एक तो आपका पेट्रोल होता है जो हम गाड़ियों में डालते हैं, पर ये जो शिप्स होती हैं इसमें क्या डलता है, प्रोपेलेंट. क्या डलता है, प्रोपेलेंट. ठीक है, सो वो पूछता है प्रोपेलेंट्स, तो वो कहता है, विल कहता है लुकिंग एट द बोर्ड, वो बोर्ड को देखता है, फिर बताता है 3031 एंड 992. ऐसे वो बताता है कि भाई ये हमारे पास प्रोपेलेंट्स हैं. ठीक है, विटनी एक्सेलेंट, विटनी बोलता है ठीक है, बहुत है, इसका मतलब है वी कैन टेक हर राउंड द मून ऑन द वे होम. तो बोला इससे तो हम आराम से पूरा चक्कर भी लगा लेंगे किसका, मून का, और घर तक भी पहुँच जाएंगे. The anxiety which has eased from his voice returns. ये details जब वो ले लेता है, अब फिर दोबारा से उस पर वो anxiety, वो stress, वो problem जो उसके mind में चल रहा है, दोबारा उस पर आहिस्ता आहिस्ता गलबा पाना शुरू करता है. Is there any news from home? वो पूछता है क्या
घर से कोई खबर अब तक आई? ठीक है, अब आप आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे होंगे जो मैंने आपको कहा कि ये एक हर एक का प्रॉब्लम होता है, तो उसको घर की क्या रहती है, फिक्र। घर की क्या रहती है, फिक्र रहती है इंसान को। समझ में आ गई बात इसको? अब यहाँ से मैं हाला से हैदराबाद से हाला आता हूँ तो मुझे फिक्र रहती है, तो ये तो बेचारा ज़मीन से चांद पे चला गया, इसको कितनी होगी आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब तो ही लुक शार्पली एट द लाउड स्पीकर, तो वो गौर से देखता है लाउड स्पीकर को। विल नो रिस्पॉन्स फॉर एन आवर, यानी एक घंटे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। नीदर फोन नॉर टेलीविजन, आई ट्राई देम अगेन, बोला ना फोन से कोई रिस्पॉन्स आया और ना ही टेलीविजन के थ्रू कोई रिस्पॉन्स आया या बात हो सकी घर वालों से। अब उसके घर वालों में कौन है अभी आपको आगे जाके पता चलेगा, अभी से मैं नहीं बताना चाहता आपको। ठीक है, वो बड़ा इमोशनल रिलेशन है, लाजमी सी बात है। ठीक है, ही टैप्स शार्पली ऑन अ की, ऑन अ की, की पे टैप करता है वो। जैसे मैंने आपको बताया था की पैड होता है, की को क्या था, की पैड जिस तरह होता है हमारा, ठीक है, मोबाइल्स का ऐसे, वो पुराने दौर का था तो वो दूसरी कीज थी, वो करता है 1 2 1 2 1 2 नथिंग सर, 1 2 1 2 करता है, पर जवाब कोई नहीं आता वहाँ से, नीचे ज़मीन से कोई जवाब नहीं आता। विटनी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पेरिस्कोप अगेन, अब वो बेचारा घर से जवाब नहीं आ रहा, हालांकि अंडरस्टूड है कि 6 बजे से पहले उसने कॉल करनी है या अराउंड 6 o'clock वो कॉल होगी ज़मीन से। ठीक है, बट अब तक कोई कॉल नहीं आई तो वो परेशान है और है कहाँ पर, मून पे जा रहा है बेचारा। ठीक है, फिर भी अपने काम पे वो फोकस करता है, कोशिश करता है कि वो पेरिस्कोप पे फोकस करे। 7758 विटनी विल, सॉरी विल 7758, देयर इज अ शॉर्ट पॉज, फिर थोड़ा रुक जाते हैं दोनों। विटनी इन अ चेंज वॉइस, डू यू एवर ड्रीम विल, विटनी ड्रीम से उससे पूछता है, विल से, विटनी किससे पूछता है, विल से, क्या तुम कभी ख्वाब देखते हो, क्या देखते हो, ख्वाब। अब वो प्रैक्टिकल आदमी है, साइंटिस्ट जो होगा, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, प्रैक्टिकल लोग होते हैं। ठीक है, बट विटनी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जस्ट, ओके, ही इज प्रैक्टिकल इट सीम्स एज वेल एज इमोशनल। समझ में आ गई, सो ही focuses on his emotions as well. Let's see how. अभी मैं प्रूव करूंगा इसको, देखते जाओ। Well, not often or often, but I've had a recurrent dream ever since boyhood. अब recurrent dream, आप ये word आपको सीखने को मिलेगा। Recurrent dream वो होता है जो कि recurrent means returning or happening time after time. यानी वो बार बार कुछ अरसे बाद फिर दोबारा आप वो ख्वाब देखेंगे, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा आपको वो ख्वाब आ जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं जो रिकरेंट ड्रीम्स देखते हैं। समझ में आ गई, तो ये भी विल भी उसमें से है। वो कहते हैं ऐसे तो ज़्यादा मैं ख्वाब नहीं देखता, बट एक ख्वाब है जो मेरे बाद मेरे मुझे अक्सर गैप्स के बाद आता रहता है, बचपन से मेरे वो ख्वाब आता है। सो वो कौन सा ख्वाब होगा, रिकरेंट ड्रीम, कौन सा ख्वाब होगा, रिकरेंट ड्रीम। सो ये सीख के जाओ ये चीज़ें। समझ में आ गई बात, ज़रूरी नहीं है आप वर्ड्स को याद करो तो सीखो, टेक्स्ट से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये टेक्स्ट पढ़ता है, पढ़ाता ही इसीलिए हमें, ताकि आप अपनी आपकी वोकैब भी बिल्ट हो यहाँ पे। समझ में आ गई, आगे चलते हैं। एवर सिंस बॉयहुड विटनी हैव योर ड्रीम्स एवर कम ट्रू, बोला क्या तुम्हारे ख्वाब कभी सच्चे हुए। ठीक है, क्या कभी तुम्हारे ख्वाब सच्चे हुए। वेल देयर वॉज वन क्वेर थिंग, बोला एक अजीब सी चीज़ थी, कोइंसिडेंस, या वो कोइंसिडेंस था, कोइंसिडेंस मींस बाय चांस आई सपोज, बोला एक ख्वाब था जो सच्चा हुआ था शायद, और मैं समझता हूँ कि वो बाय चांस ही हो गया। विटनी आई हैव नेवर ड्रीम्ड सिंस द वॉर अंटिल लास्ट नाइट एंड देन ही शडर्स। अब देखें यहाँ पर आपको जो राइटर है वो क्या बता रहा है, वॉर की संगीनी के बारे में बता रहा है, जंग की जो जंग का जो आउटकम होता है जो कि टेरर की शक्ल में होता है उसके बारे में आपको बता रहा है। समझ में आ गई बात, तो
यहाँ पर जैसे अब अगर आप ये सोच लें, अब ये जंग के टेरर के बारे में अगर आपने महसूस करना है, तो इस वक्त जो गाज़ा पर जो हमला हो रहा है, ठीक है, जिस तरह वहाँ पर बच्चों को भी मारा जा रहा है और मतलब सिविलियन एरियाज़ पर भी हमला किया जा रहा है, कितने दुख और कितनी तकलीफ़ में वो बच्चे, ठीक है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन अबाउट इट। ठीक है, ये जो हमें रिपोर्ट्स आती हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू आ जाती हैं, बट असल में वहाँ पर क्या क्या हो रहा होगा वो बाहर नहीं जाता। बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर हैं जो आज़ाद मीडिया को वहाँ पर इन नहीं होने, ये तो छोटी छोटी क्लिप्स होते हैं जो कोई बना लेता है तो वो शेयर हो जाते हैं, अदरवाइज़ जो मेन मीडिया है आपका वो नहीं है वहाँ पर, उनकी एंट्री नहीं है। सो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हाल होगा गाज़ा में लोग रहने वाले लोगों का, और यहाँ पर विटनी का क्या हाल होगा। विटनी चूँकि ही है सीन वॉर, ये सीन वॉट वॉर, सो अब इसीलिए वो उसी मेंटेलिटी में, जब आप जंग देखते हैं ना तो जंग सिर्फ करना तो बहुत आसान होता है, बट जंग के बहुत आफ्टर शॉक्स आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, और मेनली वो किस पे होते हैं, बच्चों पे होते हैं, मेनली किस पे होते हैं, फीमेल्स पे होते हैं, मेनली लोगों के दिमागों पर वो छा जाती है वो जंग। इसने भी जंग देखी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का लिखा हुआ है, समझ में आ गई बात। तो इसने जो वो जंग के थ्रू ये गुजरा है, वो जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो इसके माइंड में आज तक वो चीज़ बाकी है। तो वो कहता है कि वॉर के बाद, जंग के बाद मैंने कोई ख्वाब देखा ही नहीं है। ठीक है, बोला मुझे नींद ही नहीं आती सही। विटनी, आई हैव नेवर ड्रीम्ड सिंस द वॉर अंटिल लास्ट नाइट। बोला अभी जो मैं आखिरी रात भी सोया हूँ, जंग से लेकर ये जो लास्ट नाइट में सोया हूँ, अब तक मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। एंड देन ही शडर्स, शडर्स का मतलब होता है ट्रेम्बल एस फ्रॉम फियर और एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, फियर है, खौफ से वो कांपने लगता है, खौफ से वो कांपने लगता है। विल यू स्लेप बैडली सर, बोला आप सही नहीं सोए होगे इसलिए इस तरह ख्वाब आता होगा। विटनी, नाइटमेयर्स, ही इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पैनिक, यानी वो क्या कहता है कि ऐसे ख्वाब वो नहीं देखता, वो क्या देखता है, नाइटमेयर्स, समझ में आ गई बात, यानी खौफ दिला देने वाली चीज़ें उसके सामने आती है, क्योंकि वो वॉर देखकर आया है और आगे भी प्रॉब्लम्स का शिकार है, एक प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, अभी आप देखेंगे ये जो प्लेग है, ये शुरू में तो आपको बड़ा सिंपल सा लग रहा है, आगे जाकर आप देखेंगे कि यू विल बी सेइंग कि वाकई भाई ये प्ले लिखा है उसने। तो अब यहाँ पे वो वॉर के अगेंस्ट बात कर रहा है, किसके, वॉर के अगेंस्ट। इसीलिए आज अमेरिका में भी आपको आम लोग भी एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं कि गाज़ा में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन कई कंट्रीज़ में जो लोग हैं, गवर्नमेंट्स नहीं, लोग जो हैं, दे आर अगेंस्ट इट। समझ में आ गई बात कि जो भी हो रहा है वो गलत, वो मुस्लिम्स भी नहीं हैं, वो नॉन मुस्लिम्स हैं, बट दे आर सपोर्टिंग मुस्लिम्स। सो ह्यूमैनिटी इसका मतलब है कि आज भी जिंदा है। ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, लोग पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि वो कब ठीक होंगे। विटनी, नाइटमेयर्स, ही इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पैनिक। Everything that I feared, every horror, he controls himself. तो वो कहता है कि वो चीज़ जिससे मैं डरता हूँ वो ख्वाब में आती है, जो भी हॉरर्स हैं वो सारे मेरे ख्वाब में आते हैं। अब उसके जंग के हॉरर्स क्या हो सकते हैं, कोई भूत तो आएगा नहीं उसके ख्वाब में। ठीक है ना, जैसे आज अगर आप गाज़ा की सिचुएशन देख लें तो क्या है, वहाँ पे ऐसे कटे हुए बच्चे आपको नज़र आते हैं। ठीक है, ऐसे सड़क पे लाशें पड़ी हुई नज़र आती हैं, ऐसी वीडियोस आपके सामने आती हैं, तो मतलब आप डर जाते हैं, आपको खौफ आता है, हमें खौफ है खुदा आता है कि यार ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारे मुसलमानों के साथ, या चलो आप मुसलमानियत को भी चलें आप, ये अगर आपको एज अ रिलीजन रिलीजियसली प्रॉब्लम करता है लोगों को, इंटरनेशनली लोगों को, तो इंसानियत तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, वो चाहे कोई भी हो, तो इंसानियत तो वहाँ पर जंग जो है ना, फिर जंग जो होती है वो इंसानियत के उसूलों को भी तोड़ देती है। हालांकि जंग के भी कुछ उसूल हैं, समझ में आ गई, जंग में भी आप इस तरह का जुल्म नहीं कर सकते जैसे गाज़ा में हो रहा है। ठीक है, और ये जो वॉर देखकर आया है, तो ये भी कोई विटनी भी जो जंग देखकर आया है, जंगे देखकर आया है, वहाँ पर भी कोई अच्छे सलूक नहीं हुए, जंगों के उसूलों को तोड़ दिया गया। ठीक है, तो ही हॉरर बन जाती है और भी ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती है जंगें। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि वेल
फिर अपने आप को वो कंट्रोल करता है. क्या करता है वो? अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है. व्हाई डिड यू हियर लास्ट फ्रॉम बे, व्हेन डिड यू हियर, अब ये कहता है कि व्हेन डिड यू हियर लास्ट फ्रॉम बेस. बेस का मतलब यहाँ पे क्या समझ लें आप? अर्थ. ठीक है, बेस का मतलब क्या? अर्थ. वो कहता है कि भाई आपने जमीन से आखिरी बार कब बात हुई, आपकी रब्ता कब हुआ जमीन से? वेल एट 4:45 रूटीन चेक फ्रॉम जैक्सन. बोला रूटीन चेक, जैक्सन ने मुझे कॉल किया था, जैक्सन से मेरी बातचीत हुई है. समझ में आ गई? कब हुई है? 4:45 पे. अच्छा 4:45 पे तो ये सिग्मा बेल्ट से बहुत दूर था. ठीक है, अब ये सिग्मा बेल्ट में के करीब है. री एंटर हैरी रनिंग अ कॉम्ब थ्रू हिज डैम्प हेयर. अब क्या री एंटर हैरी, वो दोबारा उसको कहता है कि भई आप इसको री एंटर करो, उसको दोबारा कीज को दबाओ. ठीक है, वो हैरी क्या कर रहा होता है उस वक्त? अपने बाल बना रहा होता है जो क्या डैम्प होते हैं. डैम्प मीन्स स्लाइटली वेट. कौन से बाल? हम जब फेस वॉश करते हैं तो हमारे बाल भी थोड़े गीले हो जाते हैं साथ में, तो अपने गीले बालों में क्या कर रहा होता है? कंघी कर रहा होता है. तो फिर विटनी एंड आई कुडंट गेट देम ऑन माय सेट. बोला मेरे सेट से भी मैं उनसे रब्ता नहीं कर सका. हैरी ट्राई द टेलीविजन की. हैरी क्रॉसेस टू इट एंड रैप्स आउट 1-2, 1-2, 1-2. वो दोबारा की के ऐसे बटन दबाता है, राइट साइड पर देखें, वो ऐसे बटन दबाता है 1-2, 1-2, 1-2. ये स्क्रीन लगी हुई है आपके सामने सपोज करें. ठीक है, तो वो 1-2, 1-2, 1-2 करता है बट उसका रब्ता नहीं हो पाता. देयर इज़ अ स्ट्रेंड साइलेंस. ही रिपीट्स द कॉल. साइलेंस. स्ट्रेंड का मतलब क्या होता है? शोइंग साइंस ऑफ मेंटल एंड इमोशनल टेंशन. मेंटल एंड इमोशनल टेंशन. तो वो जब पहली बार कीज दबाता है तो कोई रिस्पांस नहीं आता, तो सब ऐसे परेशान हो जाते हैं कि यार आखिर क्या बात है, क्या हो गया. फिर वो दोबारा करता है बट फिर भी सामने से क्या है, टेलीविज़न पर कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है. इसका मतलब है साइलेंस. ठीक है, तो आगे हैरी लुकिंग एट हिज वॉच एंड ट्राइंग नॉट टू बी इन इफेक्टेड बाई विटनीज एंग्जाइटी. अब लुक वो हैरी, अब आप यहाँ पर क्या कर रहा है देखें, अब आप देखें कि हैरी टेंशन लेना नहीं चाहता. समझ में आ गई? हालांकि हैरी भी इमोशनली उस पर्सनालिटी के साथ अटैच्ड है जिससे बात होनी है, बट हैरी चाह रहा है कि वो टेंशन ना ले. तो वो क्या कर रहा है? लुकिंग एट हिज वॉच एंड ट्राइंग नॉट टू बी इन्फेक्टेड बाय विटनीज एंग्जाइटी. तो वो अपनी वॉच को देखता है और को अवॉइड करता है कि जो एंग्जाइटी विटनी को हो रही है वो एंग्जाइटी इसको ना हो. कैथरीन सेड शीड बी श्योर टू कॉल अस बिफोर वी लैंडेड सर. कहता है टेंशन ना लो. कैथरीन ने कहा था कि जब हम लैंड करेंगे उससे पहले वो हमें कॉल करेगी. अभी लैंड तो किया ही नहीं हम लोगों ने. चेयरफुली शी विल, खुशी से वो हमें करेगी. विटनी विथ नो कन्विक्शन. विटनी विथ नो कन्विक्शन. यस विटनी यस तो कह देता है उसकी बात को, बट कैसे कहता है? विथ नो कन्विक्शन. विथ नो कन्विक्शन. विथ नो कन्विक्शन का मतलब क्या है कि कन्विक्शन का मतलब होता है स्ट्रांग बिलीफ. क्या? स्ट्रांग बिलीफ. तो जब नो लगा देंगे तो इसका मतलब है कि उसको इस बात का एतबार नहीं था, बट फिर भी उसने यस कह दिया. लुकिंग इन टू द पेरिस्कोप. फिर वो पेरिस्कोप में देखने लगा. 7760 7760 ये विल भी रिपीट करता है. हैरी क्रॉसेस टू सिट ऑन हिज बंक. हैरी फिर जाता है टेलीविजन से किस तरफ जाता है? बंक की तरफ जाता है. हैरी सो वी आर टू बी द फर्स्ट मैन इन द मून. आई कैंट क्वाइट बिलीव इवन येट दैट आई एम वन ऑफ देम. When do we land? तो वो कह फिर अब वो टॉपिक को चेंज करता है. कौन? हैरी. तो वो टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है कि तो फिर सो वी आर टू बी द फर्स्ट मैन इन द मून. तो फिर मून में हम पहले इंसान होंगे जो पहुँचेंगे. ठीक है, तो ये खुशी की बात है, ये एक्साइटमेंट है. वो इसको इस तरफ लेके जाता है टॉपिक को. और फिर वो कहता है कि
I can't quite believe even yet that I am one of them. बोला मैं believe नहीं कर सकता कि मैं भी उनमें से एक हूँ जो चांद पे पहली बार पहुँचेंगे या जाएंगे. When do we land? वो पूछता है कि कब हम land करेंगे चांद पे. Well, in about 10 minutes. कहता है 10 मिनट, तकरीबन 10 मिनट में हम land कर जाएंगे. At the foot of Tycho. At the foot of Tycho. क्या Tycho? A prominent. अब Tycho क्या है? फुट ऑफ Tycho मीन्स यानी कि जहाँ पे Tycho है उसके बिल्कुल नीचे. ठीक है, अब Tycho क्या है कि ये समझ लें, अ प्रोमिनेंट क्रेटर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, अ क्वार्टर ऑफ द. अब क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है? अ क्वार्टर ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल. जैसे अगर ये पूरे का पूरा सर्किल है, ये सर्किल है, ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें तो ये क्या हो गया, इसका ये वाला पार्ट क्या हो गया, क्वार्टर हो गया इसका. ठीक है, और ये क्वाड्रेंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट. तो चांद को भी अगर अब आप ऐसे ही देखेंगे तो उसका एक क्वाड्रेंट क्या कहलाता है? Tycho. Tycho. ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री में मैंने लिखी नहीं, यहाँ पे पूरे का पूरा इसका डिटेल्स था, तो वो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूँगा. तो के क्यों पड़ा इसका ये नाम. अच्छा, ऑफ द फेस ऑफ द मून अबाउट 56 माइल्स यानी 90 किलोमीटर इन डायमीटर. तो 90 किलोमीटर इन डायमीटर इसके हिसाब से यानी 56 माइल्स के हिसाब से ये बताता है कि उसका रकबा होता है. विटनी एज नियर द रूट ऑफ द लॉन्ग रे एज वी कैन मेक इट. तो कहता है हम इतने करीब जाएंगे कहाँ पर, लॉन्ग रे के करीब जितने हम जा सके हम कोशिश करेंगे कि हम जाएंगे. 784, फिर वो विटनी दोहराता है 784. विल मूविंग हिज लीवर्स वाइल द लाइट फ्लिकर्स वंस अगेन अक्रॉस हिज फेस. फिर वो मूव करता है लीवर्स को और फिर एकदम से लाइट उसके फेस पर फ्लिकर करती है. ऑडियंस को यही नज़र आ रहा है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो फ्लिकरिंग जैसी वो फ्लिकर करती है उसके फेस पर वंस अगेन. तो क्या 784 वो भी यही दोहराता है. हैरी दैट्स वेयर यू पुट द शिप डाउन लास्ट मंथ इजंट इट. बोला जब लास्ट मंथ तुम आए थे तो यहीं पर तुमने शिप को लैंड किया था. विल, यस विल कहता है जी. हैरी एंजॉयिंग हिज ऑन वंडरमेंट. तो हैरी अपनी वंडरमेंट पे एंजॉय करता है. वंडरमेंट का मतलब होता है कि द फीलिंग अराउज्ड बाय समथिंग स्ट्रेंज एंड सरप्राइजिंग. लाजमी सी बात है, अभी क्या स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग है उनके लिए? लैंडिंग ऑन द मून, जिसके लिए वो आए. ठीक है, वहाँ क्या मामलात होंगे, क्या हालात होंगे, दे डोंट नो अबाउट इट. ठीक है, तो ये एक एक्साइटिंग अराउंड ट्रिप ऑफ ओवर हाफ अ मिलियन. अच्छा, अब फिक्र हैरी को भी है ज़मीन की, फिक्र हैरी को भी है घर में जो जिसकी वो विटनी बात कर रहा है. बट हैरी इज़ अ पर्सन हु वॉन्टेड टू इंगेज हिमसेल्फ इन टू द एक्साइटमेंट. ठीक है, और अब आगे चलते हैं. हैरी इंजॉइंग इज ऑन अराउंड ट्रिप ऑफ ओवर हाफ अ मिलियन माइल्स. हाफ अ मिलियन माइल्स बोला एक राउंड ट्रिप था जो कि हाफ अ मिलियन माइल्स था विथ नो वन ऑन बोर्ड एक्सेप्ट 3 शीप. बोला कोई भी नहीं था और कितने 3 शीप ही थे उस टाइम पर. एंड दे केम बैक एज हैप्पी एज दे वेंट. और वो जैसे गए थे खुशी खुशी और वैसे ही वापस आ गए खुशी खुशी. उनको लाजमी सी बात है शिप की इतनी ज़्यादा कोई फीलिंग्स तो है नहीं, ना उनको पता है कहाँ जा रहे और कहाँ आ रहे. ठीक है, तो विटनी हालांकि ऐसा कुछ मतलब ये प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने ऐसा प्रूफ किया, बताया लोगों को क्योंकि फैंटेसी है. सो 7812 इट वॉज अ नेसेसरी टेस्ट बट आर ओन फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया एंड बैक वॉज मोर वैल्यूएबल इन मैनी रिस्पेक्ट्स. तो वो बताता है कि भाई ये जो था इट वॉज नेसेसरी टेस्ट, वो एक टेस्ट था. विटनी बताता है कि वो एक टेस्ट था. जो पहला वाला जो बता रहा है वो शीप के साथ जब वो गया था और आया तो इसका मतलब है वो क्या था, टेस्ट था. ठीक है, कि चांद पे बंदा जा सकता है या नहीं. बट आर ओन फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया एंड बैक वॉज मोर वैल्यूएबल इन मैनी रिस्पेक्ट्स. बोला हमें जो ऑस्ट्रेलिया में जाना और आना था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था. विल 7812 इट इज़. तो बताता है कि भाई 7812 और फिर वो कहता है
इट इज विटनी विल प्लीज ट्राई टू विल विटनी विल को बोलता है विल प्लीज ट्राई योर फोन. वो विल को बोलता है तुम ट्राई करो अपना फोन. क्यों वो ट्राई करवा रहा है? ताकि घर से रابطہ हो सके. अब उसका आधा ध्यान घर पर है और आधा ध्यान काम पर है, और हो सकता है कि 25% काम पे हो और 75% घर पे हो, क्योंकि अब तक वहाँ से कोई कॉल मौसूल नहीं हुई है. सो बेल हो चुकी है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह विल बी कंटिन्यूइंग इट. थैंक यू एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज़.